If you haven't subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos. अच्छा, मैंने tradingview.com पे 5 ऐसे इंडिकेटर्स फाइंड किए हैं जो कि आपको 5 मिनट ट्रेडिंग के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 आवर के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे सिग्नल्स देंगे और इवन आपको बाय एंड सेल के सिग्नल्स मिलेंगे। मतलब आपको ये ट्रैक बताएंगे कि यहाँ पे आपने सेल करना है और यहाँ पे बाय करना है। तो इस तरह करके आप इन सिग्नल्स को कॉपी करेंगे और इनसे आपको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले जो हमारा इंडिकेटर है वो ये यूटी बॉट अलर्ट्स। तो जैसे ही यूटी बॉट अलर्ट को आपने अप्लाई करना है, यहाँ से सबसे पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ पे और उसके बाद इंडिकेटर्स वाले टाइम में आता हूँ और यहाँ पे आपने सर्च करना है यूटी बॉट अलर्ट्स। तो सर्च करने के बाद आपने ये पहले इंडिकेटर पे क्लिक कर लेना है और ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसकी हमने सेटिंग करनी है। अभी मैं 5 मिनट के लिए देख रहा हूँ, आप इसे 15 मिनट के लिए भी देख सकते हैं, 1 आवर एंड 4 आवर किसी भी टाइम फ्रेम के लिए आप इसको देख सकते हैं। सेटिंग जो होगी वो तकरीबन सेम ही रहेगी। तो हमने इसकी सेटिंग यहाँ पर आके थोड़ी बहुत चेंज करनी है। आपने इनपुट्स में आके यहाँ पर इसका जो की है वो 2 कर देनी है और ATR पीरियड जो है वो आपने 6 कर देना। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना और ये आपकी सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी और जितने भी फेक सिग्नल्स हो जाएंगे यहाँ पर शो हो रहे थे वो सारे गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सेल करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये इतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे आपको बाय करना है और यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। और आगे इसने फिर एक हमें सेल का सिग्नल दिया है, फिर बाय का दिया है। ये एक थोड़ा सा प्रॉफिट, मतलब कितना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी इसने सिग्नल जो था वो एक्यूरेट दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसने फिर हमें सेल का दिया और फिर आगे बाय का, फिर आगे सेल का। तो इस तरह इसने हमें काफ़ी सिग्नल दिए। अगर एक दो हमारे लॉस में भी ट्रेड चली जाती हैं तो 10 से 15 ट्रेड जो होंगी वो हमारी प्रॉफिट में ही जाएंगी। तो ये था पहला इंडिकेटर। इसके बाद हम दूसरा इंडिकेटर देखते हैं। हमने दोबारा इंडिकेटर्स वाले टैब पे आना है और यहाँ पे हमने आके सर्च करना है सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो हमारा सुपर ट्रेंड आ रहा होगा ये पहले नंबर पे नीचे कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में आपने इस पर क्लिक करना है, इसको क्लोज कर देना और यहाँ पे आके आपने इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स को चेंज करना है, ठीक है। तो आपने जो इसका ATR पीरियड है वो 11 कर देना है, बाकी सारी सेटिंग्स इसकी तकरीबन सेम ही रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसने एक हमें बाय का सिग्नल दिया था, ये हमारी ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में आके क्लोज होगी, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया और ये हमारा यहाँ तक प्रॉफिट चलता रहा, ठीक है। अगर इसने हमें सेल का एक सिग्नल दिया और वहाँ पे भी हमें एक थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। तो अभी मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ, आप इसे 1 आवर में या 4 आवर में या इंट्राडे ट्रेडिंग किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में, इवन फॉरेक्स में, क्रिप्टो में। तो यहाँ पे एक इसने और हमें बाय का दिया और आगे मैं अगर चलता हूँ तो यहाँ पर एक इसने हमें सेल का सिग्नल दिया। इस जगह पर भी हम अगर करें इस जगह पर तो ये हमने यहाँ पे इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया, ठीक है, 54 बार्स का। आगे इसने हमें फिर एक बाय का सिग्नल दिया, फिर एक सेल का दिया, फिर बाय का। इस तरह से इसने हमें अनलिमिटेड सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। तो ये था हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो कि आपको बाय एंड सेल के सिग्नल्स देगा, जैसे कि यूटी बॉट अलर्ट्स इंडिकेटर आपको दे रहा था। तो इसे अभी करते हैं क्लोज। नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं जो कि हमारा है चैंडलर एग्जिट, ठीक है। तो आपने टाइप करना है चैंडलर एग्जिट, ठीक है। तो ये टाइप करने के बाद आपको ये जो एवरगेट का मिलेगा यहाँ पे, जिसके 10,769 अप्लाइज हो चुके हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। आप इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आगे कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखता हूँ। अभी यहाँ पे इसने एक हमें बाय का सिग्नल दिया इस जगह पर और ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट में क्लोज हुआ। फिर आगे इसने हमें एक सेल का सिग्नल दिया इस जगह पर, ये भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ। फिर यहाँ पे एक इसने फेक सिग्नल दिया, ठीक है। तो 3 इसने सिग्नल दिए, 2 प्रॉफिट में क्लोज़ हुए, एक हमारा चलें यही कर लें कि लॉस में हुआ, लेकिन आगे वो भी हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाता है। अगर हम यहाँ पे भी बाय करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इतना अच्छा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। अगर इसने यहाँ पर भी एक हमें बाय का सिग्नल दिया और इसके बाद इसने यहाँ पर हमें एक और सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पर एक और बाय का सिग्नल दिया और यहाँ पर एक और इसने सेल का दिया, फिर बाय का दिया। अभी एक लाइव मार्केट में भी इसने सेल का सिग्नल दिया हुआ है जो कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा है। अगर हमने यहाँ पे इसकी ट्रेड को ओपन किया होता तो हमें एटलीस्ट इतना प्रॉफिट अभी हो रहा होता, 1.89% विदाउट एनी लेवरेज। तो ये था हमारा तीसरा इंडिकेटर जिसमें आपको बाय एंड सेल के लेबल्स भी शो होंगे और आपको ईजिली सिग्नल्स भी मिलेंगे। अब जो अगले 2 इंडिकेटर्स उनमें आपको लेबल्स वगैरह शो नहीं होंगे, लेकिन आपको बाय एंड सेल के सिग्नल्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो इसे करते हैं क्लोज अभी और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इंडिकेटर, उसका नाम है MACD। इसकी सेटिंग हमने थोड़ी बहुत चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो मैं MACD को अप्लाई करता हूँ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को और इसे करता हूँ क्लोज। इसकी सेटिंग में आके हमने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, ठीक है।
तो ये भी दूसरे इंडिकेटर्स की तरह किसी भी टाइम फ्रेम पे लग जाएगा, मतलब 1 आवर पे, 4 आवर पे, इवन 1 डे पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो आपने इसकी सेटिंग में आके फास्ट लेंथ को 100 कर देना है और जो स्लो लेंथ है उसको 200 कर देना है, डैट्स इट। बाकी आप यहाँ पे स्टाइल में ये जो लाइंस इनको भी मतलब कि हाइड कर सकते हैं, बाय द वे मैं अभी नहीं करूँगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल होगी, आपने जस्ट 3 चीज़ें देखनी है, एक हिस्टोग्राम देखना है और बाकी लाइंस के क्रॉसओवर देखने हैं और ये कैंडल्स देखनी है। तो अभी मैं आपको बाय का सेटअप यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बाय की ट्रेड को ओपन करने के लिए आपने सबसे पहले ये क्रॉसओवर देखना है। अब ये क्रॉसओवर 2 लाइंस का होगा। अब ये जो हमारी ब्लू लाइन है, अगर ये लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो वहाँ पे हमने बाय के लिए ट्रेड को ओपन करना है। लेकिन उससे पहले हमने ये कंफर्म करना है कि मैकडी का जो हिस्टोग्राम है वो भी ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। 2 कन्फर्मेशन, एक तो ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे हमारी ओरिज लाइन को, जैसे ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, ठीक है। और हिस्टोग्राम का कलर भी उसी पॉइंट पे ग्रीन होना चाहिए, ये भी ग्रीन है। और बाकी आपने कैंडल्स भी देखनी है, जो कैंडल्स हैं वो भी हमारी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 2-3 कंटिन्यूस कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बननी चाहिए। यहाँ पर भी कैंडल ग्रीन बनी, नेक्स्ट भी ग्रीन बनी, नेक्स्ट भी ग्रीन बनी, तो यहाँ पर पोटेंशियल है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर आपने इसको बाय करना है, और अगर आप यहाँ पर इसको बाय करते तो ज़्यादा नहीं तो आपको मतलब 5 मिनट में, तकरीबन 2 आवर्स में आपको 4.41% का प्रॉफिट हो जाता विदाउट एनी लेवरेज, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, 25% का प्रॉफिट। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा होल्ड करते तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी। अब सेल के लिए आपने जस्ट अपोजिट रूल्स फॉलो करने हैं। सेल के लिए ये होगा कि ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये इस ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, बाय की केस में नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, लेकिन सेल की केस में ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी। दूसरी चीज़ हमने ये देखना है कि मैकडी की जो हिस्टोग्राम है उसका कलर भी रेड होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ब्लू लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस की है, यहाँ पर मैकडी भी रेड है और 3 कंजेक्टिव कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी। तो इस जगह पर हम अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडल्स कंटिन्यूस बन रही हैं तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेड होगी वो इस जगह पे ओपन होगी और ये हमारा यहाँ तक प्रॉफिट हो जाएगा। 4 आवर में 50 बार्स का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि 6.20% है विदाउट एनी लेवरेज, ठीक है। तो ये इस तरह हमने सेल एंड बाय करना। अभी लास्ट इंडिकेटर जो है वो बहुत ही, मैं कहता हूँ मतलब इन सब का अगर आप देखें ना, इन सब में से एक्यूरेट इंडिकेटर तो वो आप लास्ट वन को ही प्रेफर करेंगे, तो वो है बोलिंगर बैंड्स। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, उसकी भी उसकी सेटिंग तो नहीं है, लेकिन आप उसमें जस्ट 3-4 रूल्स को देख के आप अपनी बाय एंड सेल की ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इंडिकेटर्स में आना है और यहाँ पे आपने जस्ट टाइप करना है BB, तो आपको ये बोलिंगर बैंड्स मिल जाएगा। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, अभी ये आपको यहाँ पे इस तरह करके शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये शो हो गया। तो इसमें बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, इसमें एक्चुअली 2 स्ट्रैटेजीज हैं, मैं दोनों आपको अभी बता देता हूँ आपने किस तरह बाय एंड सेल करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 बैंड्स हैं, एक ये वाला बैंड है और एक ये वाला बैंड है। जब भी ये जो कैंडल्स हैं ये इस नीचे वाले बैंड से नीचे आ जाएंगी, जैसे ये हमारा बैंड था पहले इसके ऊपर थी, और जैसे इसने इन कैंडल्स ने इस हमारी जो नीचे वाली ब्लू लाइन थी इनको नीचे की तरफ क्रॉस किया इस जगह पर, तो वहाँ पर हमने अपनी लॉन्ग की पोजिशन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी लॉन्ग की पोजिशन लूँगा और ये मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया इस लाइन को, यहाँ पर भी आप अपनी लॉन्ग की पोजिशन लेते तो आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट हो जाना था। तो इस तरह से ये अपने लॉन्ग ट्रेड को ओपन करना। अभी शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट की ट्रेड कैसे आपने ओपन करनी है। शॉर्ट की ट्रेड ओपन करने के लिए आपने अपर बैंड को देखना है, ये जो अपर वाली ब्लू लाइन है आपने इसको देखना है। जैसे ही कैंडल्स जो मार्केट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ गई इस तरह मार्केट, और जैसे ही ये जो हमारी अपर वाला बैंड है, हमारी अपर वाली ब्लू लाइन है, उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, तो यहाँ पर आप देखें ना ये जो कैंडल्स हैं ये ब्लू लाइन से ऊपर चली गई हैं, मतलब इसके नीचे पहले थी इस तरह से, अब ये उसके बाहर चली गई हैं, मतलब उसने उनको लिमिट को क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर हम अपनी शॉर्ट की पोजिशन को ओपन करेंगे इस जगह पर और ये हमारा यहाँ पे इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इस तरह हमने बाय एंड सेल करना है। ये इसमें पहली स्ट्रेटजी थी। अब दूसरी स्ट्रेटजी मैं आपको बता, दूसरी स्ट्रेटजी ये कि जैसी मार्केट ऊपर जाएगी और ये जो हमारी मिड लाइन है इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, तो आपने वहाँ पे बाय कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पे बाय कर दे तो ये हमारा यहाँ पे इजीली इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाना था, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, अभी मैं ऊपर की बात कर रहा था, इसने इस मिड लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद ये ऊपर चली गई, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री लेंगे और ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा इस जगह तक।
और सेल की केस में ये इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगी इस मिड लाइन को, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री को पोजीशन को ओपन कर, तो इस जगह पे हम अपनी पोजीशन को ओपन करेंगे और ये यहाँ तक हमारा इजीली टारगेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस ऑन बेल नोटिफिकेशंस फॉर मोर वीडियोस।